पुलिस उपायुक्त पश्चिम श्रीमती ऋचा द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के गोदामों से केबल चोरी एवं नकबजनी करने वाली गैंग की वारदातों का खुलासा किया गया। करघनी थाना क्षेत्र का मामला, 7 आरोपियों सहित कबाड़ी गिरफ्तार। उसको कम अमाउंट में जब तक उनका माल चोरी होता रहता है, तार चोरी होता रहता है, उनको इस चीज़ का संज्ञान ही नहीं हो पाता कि आपके गोदाम में चोरी हो गई। बहुत से केसेस ऐसे भी थे जिसमें तार ओपन एरिया में होते हैं, वो कोई उसमें बाउंड्री भी नहीं होती चारों ओर से, तो चोरों के लिए काफ़ी एक्सेस थी वहाँ पर और वे चोरी करके जा रहे थे। ऐसे इनपुट के आधार पर एक विशेष टीम का गठन किया गया जो उस एरिया में औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ पर विशेष इस तरह के गोदाम स्थित थे वहाँ पर देखी कर रही थी। आसपास से मुद्दों से सूचना इकट्ठी की जा रही थी कि कोई सस्पिशियस एलिमेंट्स की मूवमेंट इस एरिया में है क्या, स्पेशली गुड आवर्स में। हमारे ज़िले के अंदर आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में, जिलों में जितने भी कबाड़ी है जो पूर्व में चालान शुदा है या फिर जो संदिग्ध है उन पर भी नज़र रखी जा रही थी कि उनके यहाँ पर ऐसे तारों को कोई सप्लाई कर रहा है क्या। इन सारे समग्र प्रयासों से एक पूरी गैंग वेस्ट जिला पुलिस के हत्थे चढ़ी है। अभी रिसेंट में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने भी अपने यहाँ पर तार चोरी की रिपोर्ट करदनी थाना क्षेत्र के अंदर दर्ज कराई थी। जब उनके मौका विजिट किया गया, आसपास अनुसंधान किया गया, तो वहाँ पर लकीली कुछ सीसीटीवी कैमरेज में भी ऐसी गाड़ियों की मूवमेंट्स मिली और उसके बाद भी जो उपरांत उससे पहले की मुखबिरों की सूचना थी जिन्होंने भी लग्जरी कारों की मूवमेंट उस क्षेत्र में बताई थी जो विशेषतः दिन के समय होती है, तो उन सभी इनपुट्स के आधार पर एक पूरी गैंग को दबोचा गया है। उसमें अभी तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें से 5 तो कबाड़ी है और 2 जो सिर्फ चोरी का काम करते हैं। इनमें से कुछ कबाड़ी ऐसे हैं जो चोरी का काम भी करते हैं और कबाड़ का धंधा भी करते हैं। तो इनकी पूरी इंटरोगेशन में इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये निकल के आई है कि ये दिन के समय लग्जरी कारों में रेकी करते हैं और ऐसे गोदामों को चिन्हित करते हैं जहाँ पर तार का गोदाम हो, चाहे बिजली के तार हो, चाहे आपके तांबे के और एल्यूमिनियम के तारों का गोदाम हो, और विशेषतः ऐसे गोदाम जिनको प्रॉपर गार्ड नहीं किया गया है, जहाँ पर कोई गार्ड नहीं होता, जहाँ पर सुरक्षा का पूरा इंतजाम नहीं होता, जहाँ पर उनके फ्रंट गेट पे सीसीटीवी कैमराज नहीं होते। जैसे कि अभी ये रिसेंट में जो FIR हुई है इसमें आरोपियों ने बताया कि वहाँ पर ऐसा कोई प्रोटेक्शन का सिस्टम नहीं था, तो इन्होंने 3-4 बार इस गोदाम में चोरी की